हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका। जैस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एकदम फलाहारी नमकीन बहुत ही कम मसाले में। तो चलिए देखिए, मैंने घर पे लिए हैं आधा किलो से ज़्यादा आलू हैं थोड़ा से, तो हमने इन्हें छील लिया है और हम इन्हें पानी में डुबा करके ही रखेंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो चलिए, अब हम इन्हें ग्रेटर से कद्दूकस करना है इन आलूओं को। तो चलिए, हम एक ग्रेटर ले लेते हैं और एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। तो हम मोटे साइड से कद्दूकस करेंगे, ये देखिए। तो हमें आलूओं को बड़े साइड से ही कद्दूकस करना है ताकि अच्छे बड़े बड़े से थोड़ी लच्छे निकलें इसके। और पानी हमने इसलिए डाला है बर्तन में ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना पड़े। तो ये देखिए, आलू में बहुत ही ज़्यादा स्टार्च की मात्रा होती है तो ये जल्दी से काले पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमें आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो चलिए, हम फटाफट से सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने कद्दूकस कर लिया है। तब हमें इसे अच्छे से साफ़ करना है। जैसा कि मैंने बताया, आलू में स्टार्च अधिक होता है, तो हमें इसका सारा स्टार्च निकाल करके अलग करना है। तो हम इसे कम से कम 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। और दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, हम आलूओं को साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है और पानी एकदम क्लीन है, एकदम साफ़ है। तो इसका मतलब है आलू हमारे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम इसे छान लेते हैं, मतलब इसका जो पानी है उसे हटा देते हैं। तो हम स्ट्रेनर ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसका सारा पानी अलग कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है इस नमकीन को बनाना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप चाहें तो इसे व्रत में खाइए या ऐसे ही खाइए, बहुत ही मज़ा आता है इस नमकीन को खाने में। तो चलिए, स्ट्रेनर से हमने पानी हटा दिया है। अब हमें इसे थोड़ा सा सुखाना है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी है अभी, है ना। तो चलिए, इसे हम सुखाएंगे। तो अब हमने इसे सुखाने के लिए करना क्या है, लेना है एक कपड़ा, उसे हम इस तरीके से बिछा लेंगे। और जो हमने कद्दूकस किए हैं आलू, उन्हें इसके ऊपर डाल देंगे, फैला देंगे अच्छे से। तो आप चाहे तो इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से फैला दीजिए और कपड़े से पोंछना है हमें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इन्हें पोंछ लेंगे, इसका जो पानी है उसे सुखा लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से पानी को सुखा लिया है। तो चलिए, अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना है कि आप रिफाइंड ऑयल का यूज मत कीजिए, बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से इसे फ्राई करना है। तो हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो इस स्टेज में हमें देखिए गैस को धीमी कर देना है और अच्छे से गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करके इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमें सारे जो आलू हैं हमने कद्दूकस किए हैं, उन्हें इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, हमने सभी आलूओं को फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है इनमें। तो चलिए, अब हमने ये लिए हैं बड़े वाले साबूदाने, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, फटाफट से हमारे साबूदाने फूल फूल कर ऊपर आ जाएंगे अभी।
ये देखिए, तो हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फूल करिए, फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमने ये लिया है इधर पर मूंगफली, इन्हें भी फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ काजू और बादाम, उन्हें मैंने 2 से 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा ही फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए, मैंने करी पत्ते लिए हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और साथ में ही मैंने इधर पर लिए हैं 2 मिर्च। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से हल्की फ्राई कर लेना है। तो हम लाल मिर्च पाउडर का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए हमने हरी मिर्च फ्राई की हुई है। तो चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने मसाले के लिए लिया है इधर पर 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और साथ में ही हमें डाल लेंगे सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो ये हम स्वाद के अनुसार डालेंगे नमकीन में, हमें हिसाब से ही डालना है, नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मसालों को मिला लिया है। तो हमने ये फ्राई करके रखे थे जो लच्छे, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सारी चीज़ों को फ्राई किया हुआ है। ये देखिए, साबुदाने, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, करी पत्ते और हरी मिर्च। तो हम इन सभी चीज़ों को डाल देंगे। और ये देखिए, अब हमने जो मसाले लिए हुए हैं, जो हमने मिला करके रखे हैं, उन्हें डाल देंगे हम। तो हम अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से चम्मच से आप मिला सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से भी टॉस करके से अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं। तो अच्छे से हमारे मसाले मिक्स हो जाएंगे इस नमकीन में। और ये देखिए, मसाले मिक्स होने के बाद हमारी नमकीन एकदम बढ़िया सी बन करके हो चुकी है तैयार। तो आप चाहें तो इसे खाइए व्रत में या ही ऐसे ही खाइए, दोनों में ही बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है हमारी फलाहारी नमकीन, बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए फटाफट से आप लोग भी इस नवरात्रि में इस नमकीन को बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक बार बनाएंगे, पूरे 9 दिन इसे खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।